नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंसेक्टिसाइड है। क्या है इंसेक्टिसाइड? यानी कि सेकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने वाले दो प्रोडक्ट है, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में। और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि फार्मर का रिव्यू होगा उसको भी आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा, ताकि इससे पता चलेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट में से किसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं और कितने समय अवधि है रिजल्ट की। ओके, और इनका इस्तेमाल हमें किस किस क्रॉप के अंदर करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आपको वहां पर जाकर आप बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह प्रोडक्ट है भारत इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का। किस कंपनी का है? भारत इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि बिलियन नाम से आता है। किस नाम से आता है? बिलियन नाम से आता है। और एक और हमारे पास प्रोडक्ट है, ये देखिए आप, IIL कंपनी का है। किस कंपनी का है? इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि किस नाम से आता है? हरक्यूलस। किस नाम से आता है? हरक्यूलस। अब बात करते हैं इनके इनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना है। देखिए, सभी प्रकार के सेकिंग पेस्ट को ये दोनों प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? सभी प्रकार के सेकिंग पेस्ट को यह दोनों प्रोडक्ट कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एफिड है, जेसिड है, वाइट फ्लाई है, मिली बग है, लीफ फोल्डर है, इनको यह मुख्य रूप से कंट्रोल करते हैं। और थ्रिप्स को भी अच्छा कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? थ्रिप्स को भी काफी अच्छा कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि मिर्च में, हम बहुत से किसान भाई मिर्च की जब फसल लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थ्रिप्स की काफी समस्या हो जाती है, जिससे मिर्च में क्या होता है कि पत्ते सिकुड़ने की समस्या रहती है। उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। और आपने यदि इनका इस्तेमाल किया है तो आपको इनका रिजल्ट पता ही होगा। ओके, अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल किस किस क्रॉप में किया जाना चाहिए। देखिए, आप कभी भी इस्तेमाल करिए तो एक ही प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली ना करें। जैसे आपने कभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया है तो कंटिन्यूसली, यानी कि दोबारा आपको इसका इस्तेमाल बार बार नहीं करना है। आपको गैप ऑफ डिस्टेंस में एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया है, एक बार इसका कर लेना है आपको, और किसी अन्य कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं अच्छे अच्छे टेक्निकल्स, उनका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ओके, यदि आप एक ही टेक्निकल का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो ये प्रोडक्ट है कोई भी हो, वह रिजल्ट देना बंद कर देगा। इस चीज का आप हमेशा सभी ध्यान रखिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हमें किस किस फसल के अंदर प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हमें इसका इस्तेमाल भिंडी के अंदर, बैंगन के अंदर, टमाटर के अंदर, मिर्च में कर सकते हैं हम, लौकी, तरोई, करेला, गिलकी, गवार फली, चवला फली, प्याज, कपास, गोभी, पालक, मूली और गाजर, यानी कि सभी प्रकार की वेजिटेबल्स क्रॉप्स के अंदर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कुछ फल वर्गीय पौधों में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पौधा किस साइज का है। ओके, ताकि इनिशियल स्टेज है या पौधा बड़ा है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी मात्रा में रखना है। अब बात करते हैं कि वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर हमें कितनी मात्रा में इनका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, और उससे पहले में हम बात करते हैं कि इनमें ऐसे कौन से फॉर्मुलेशन है, यानी कि कौन से ऐसे टेक्निकल है जो कि इतने काफी अच्छे प्रचलित है। देखिए, इस बिलियन प्रोडक्ट के अंदर, भारत इंसेक्टिसाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके अंदर है फॉर्मुलेशन डाइफेंथुरान 50% WP। क्या है? डाइफेंथुरान 50% WP है, जो कि एक पाउच में आता है और पूर्ण रूप से पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि पूर्ण रूप से घुलनशील है। क्या है? वॉटर सोल्यूबल, पूर्ण रूप से घुलनशील है। अब बात करते हैं हरक्यूलस, जो कि IIL कंपनी का है, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर दो टेक्निकल है। क्या है? दो टेक्निकल। एक तो डाइफेंथुरान 40.1% है। क्या है? डाइफेंथुरान 40.1% है।
और इसके साथ में एक और टेक्निकल है एसिटामाप्रिड। क्या है एसिटामाप्रिड? 3.9% है। यानी कि ये दो टेक्निकल से मिलकर बना है और यह एक टेक्निकल से मिलकर बना है। अब बहुत से किसान भाइयों के मन में सवाल आ रहे होंगे, सर इसके अंदर दो टेक्निकल है, ये काफी अच्छा रिजल्ट देता होगा। और बहुत सारे कहेंगे सर डाइफेंथोरन 50% अच्छा रिजल्ट देगा क्योंकि इसके अंदर डाइफेंथोरन 50% है। देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज हम जब इस्तेमाल करते हैं तो दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं, बस हमें इस्तेमाल का सही तरीका पता होना चाहिए। ओके, यानी कि मैंने दोनों ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो मैंने दोनों के ही रिजल्ट देखे हैं और इनका रिजल्ट ड्यूरेशन आपको 15 डेज पे यानी कि 15 दिन तक आप इनका रिजल्ट देख सकते हो। ओके, और बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि सर इनके साथ क्या टोनिक मिलाना चाहिए? जी हाँ, टोनिक आप मिला सकते हो लेकिन कुछ चुनिंदा कंपनियों के ही आपको मिलाना है, यानी कि जो MNCs ग्रुप है उनके ही आप यदि टोनिक का इस्तेमाल करते हो तो काफी अच्छा है, हर किसी कंपनी का टोनिक नहीं मिलाना है। ओके, यानी कि आपको बहुत सारे मार्केट में टोनिक आते हैं उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि इसमें तो एक टेक्निकल हो गया डाइफेंथुरान 50% WP एंड इसके अंदर दो टेक्निकल हो गया डाइफेंथुरान प्लस एसिटामिप्रिड। दो टेक्निकल्स की वजह से थोड़ा फार्मर कंफ्यूजन में रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल करने का मतलब कितना ग्राम प्रति पंप का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये जो पैकिंग आती है इनके अंदर आता है 25-25 ग्राम के पाउच आते हैं। क्या आते हैं? 25-25 ग्राम के पाउच आते हैं। इसमें भी 25 ग्राम का पाउच आता है, इसमें भी 25-25 ग्राम के अलग अलग, जैसे ये आधा किलो की पैकिंग है तो इसमें 25-25 ग्राम के पाउच डिवाइड होंगे अंदर, तो इसमें भी होंगे। तो इसी प्रकार 25 ग्राम पाउच का इस्तेमाल हमें प्रति 15 लीटर पंप में करना है। क्या करना है? 25 ग्राम का इस्तेमाल प्रति 15 लीटर पंप में इस्तेमाल करना है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है और ज्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और इस्तेमाल करते समय एक बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया तो किसी अन्य कंपनी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे। ओके, और जिन किसान भाइयों ने इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी का भी इस्तेमाल किया है और उनको इन दोनों में से किसके रिजल्ट काफी अच्छे लगे हैं, यानी कि जो भारत इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्ट है बिलियन और IIL इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है हरक्यूलस, इन दोनों में से किनके रिजल्ट आपको अच्छे लगे हैं और कौन अच्छा प्रभावी है? मैंने तो इनके दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे देखे हैं, सेम रिजल्ट लगते हैं मुझे दोनों के। और जिन किसान भाइयों को उनको कुछ इनके डिफरेंस रिजल्ट नजर आए हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इनके बारे में पता चले, और आपका पता भी लिखिए इसमें कि आप कहाँ से हो ताकि किसान भाइयों को पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सभी को शेयर जरूर करें, और यदि आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।